Now let us see what the pile number 2 has stored in for you. So pile number 2, what I can see here is that the fairies are saying that everything is okay. कहीं ना कहीं आप कुछ टेंशन ले रहे हो, यू आर वरिंग. सो दे आर सेइंग डोंट वरी, इट्स ऑल वर्किंग आउट इन अ ब्यूटिफुल वे. ओके, सो अदर एंजल्स मैसेजेस इज दैट कि जो भी आपने कुछ सोचा है, मांगा है, आपको परफेक्ट टाइमिंग पे डेफिनेटली वो मिलेगा. दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड. आपको जो भी आपने कुछ मांगा है वो आपको सही समय पे मिलेगा. और अगर आप कुछ चाहते हो करने का तो आपके लिए ये सही समय है, आप इसमें आगे बढ़ सकते हो जो भी आपके मन में है. सो जुलाई मंथ में अगर आप कुछ करना चाहते हो डेफिनेटली गो हैड एंड मे बी यू नो मूव फॉरवर्ड का मीनिंग ये भी हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो तो भी ये सही समय है. सो द अदर कार्ड्स आर सेइंग दैट आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी स्किल्स हैं, उसको आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए रेगुलरली, जिससे कि वो पॉलिश हो जाएंगे वो और आपके लिए वो अच्छा बेनिफिट्स लेकर आ सकते हैं फॉर फ्यूचर. सो पाइल नंबर 2 पीपल आर समथिंग इनटू लाइक स्टडी कर रहे हैं या दे आर लर्निंग समथिंग, यू नो, बिकॉज द बुक्स हैव कम. सो यू कनेक्ट योर लाइफ पर्पज टू योर इन्वॉल्वमेंट विद द बुक्स. सो मे बी दे माइट बी लर्निंग समथिंग, या फिर वो स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, यू नो. सो मे बी दे मे बी टीचर्स और गाइड मेंटर्स और समथिंग. तो ये चीज़ आपको एंजल्स कह रही है कि आप और भी अंदर कनेक्ट हो, ये बुक्स में आप जो रीड करते हो या पढ़ते हो उसके साथ भी कनेक्शन बनाइए. डेफिनेटली गेट फ्यू आंसर्स विच यू आर लुकिंग फॉर. सो पास लाइफ कार्ड में द आर्ट्स कार्ड आया है. तो जो पाइल नंबर 2 वाले जो हैं वो काफ़ी क्रिएटिव हैं. सो दैट्स वॉट, बिकॉज ऑफ दैट राइट नाउ यू पीपल आर, दैट इज़ वाई प्रैक्टिसिंग, यू नो, मूविंग फॉरवर्ड इन टू योर लाइफ ड्यू टू योर स्किल्स. अगेन यहाँ पे भी स्किल्स आया था, यहाँ पे भी आर्ट्स आया था, यहाँ पे भी बुक्स. सो देर इज़ समथिंग लाइक पाइल नंबर 2 वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं क्रिएटिव हैं, डेफिनेटली इन एनी क्रिएटिव टैलेंट दे हैव. सो द मैसेजेस ऑफ पावर एनिमल. सो इट इज़ सेइंग दैट योर एनिमल स्पिरिट गाइड इज़ अ गार्डियन टू यू एंड इज़ हेल्पिंग यू विद दिस सिचुएशन. सो वट एवर सिचुएशन यू आर फेसिंग, बिकॉज फॉर समथिंग यू आर वरिंग ऑब्वियसली, राइट. सो of the guardian angels and your power animal both are taking care of you. वो आपका ध्यान रख रहे हैं. सो टेंशन मत लीजिए. साईं बाबा का मैसेज है कि ट्रीट ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग बींग्स दैट कम टू यू विद काइंडनेस. अगर आपके पास कोई आता है, फ्रेंड, फैमिली और क्लाइंट और एनी बडी, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट कीजिए. ओके, सो वेन यू ट्रीट अदर्स, सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज द सर्विस टू गॉड. सो वेन यू ट्रीट अदर्स प्रॉपरली डेफिनेटली यू आर डूइंग अ वेरी गुड कर्म. And angel answer cards are saying that take action. अगर आपके मन में कुछ है, see देखो यहाँ पे भी perfect timing आया है, यहाँ पे भी take action आया है. So what I can resonate is that कि आपने जो भी सोच के रखा है कि मैं ये करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, go and do. You know, angels are also saying that ये सही समय है और action लीजिए, go and do it. Okay. And romance angels जो love life के बारे में बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल करना चाहते हो या यू नो अपने हिसाब से चाहते हो, तो गॉड ने जो स्क्रिप्ट आपके लिए लिखी है वो शायद आप जो कंट्रोल करना चाहते हो उससे काफ़ी अच्छी लिखी है. सो थोड़ा सा यू नो लेट गॉड डू वॉट एवर इट्स रिटन फॉर यू. जस्ट बी इन द अलाउंस एंड अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, लेट इट बी नेचुरली. किसी को कंट्रोल मत कीजिए. इफ़ यू आर इन अ ट्रू लव देन बी एज इट इज़. ओके, टॉकिंग अबाउट द ज़ीबो सिम्बल्स, एंजल्स आर सेइंग फोर्टिट्यूड. सी ज़ीबो सिम्बल्स भी यही कह रहे हैं कि आप एंजल कार्ड्स और ज़ीबो सिम्बल बोथ आर सेइंग टू टेक एक्शन. इवन यहाँ पे भी परफेक्ट टाइमिंग आया है, मतलब ऑल दिस थ्री कार्ड्स आर सेइंग द वन एंड द सेम थिंग कि अगर आप कुछ भी चाह रहे हो करने का तो आप आगे बढ़िए उसमें, बिकॉज इट्स द ड्राइविंग फोर्स. डोंट गिव अप, यू नो, मूव अहेड विद ईज. सो आपका जो भी आपने विजन बना के रखा था कि आई एम गोइंग टू डू दिस दैट, सो इट्स अ ड्राइविंग फोर्स, गो अहेड, यू नो. ऑल्सो इफ़ यू फील दैट समटाइम्स अनसर्टेनिटीज आपको लग रही है, बट देन ऑल्सो
यू विल यू नो गो अहेड एंड अगेन अचीव योर गोल. 42 हमें स्ट्रेंथ की भी बात करता है, आपके बिलीफ की भी बात करता है. सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, ब्लेसिंग्स फ्रॉम द एंजल्स आर ऑलरेडी विद यू, यहाँ पे भी बताया है. सो गो अहेड. सो द टैरो कार्ड्स में आपके लिए किंग ऑफ द कप्स कार्ड आया है, विच इज़ लाइक यू पीपल मे बी ट्रैवलिंग समवेयर इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड फॉर सम बिजनेस और समथिंग लाइक दैट. सो देर कुड बी समथिंग happening in your life which will bring positive changes and maybe some people are into relationship are going to have more and more emotions and love into that. That's what I can feel here. And other thing is that Wheel of Fortune says that pile number two people are there. They are very intelligent, they have a lot of qualities, strength, everything, so they can get success in their life. So basically this is for success, you know, and there could be a good change in your life. तो उसके लिए आप जो वेट कर रहे हो ना वो आ गया है समय. ब्रिंग द चेंज एंड गो अहेड एंड बी सक्सेसफुल. दैट्स व्हाट एंजल्स आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट. थैंक यू वेरी मच.